राजस्थान बोर्ड RBSE कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पाठ 15 बृहत्तर भारत। चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? तो चंपा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। कम यूज के कौन से नरेश ने कुल 325 छंदों के गार अभिलेखों की रचना की है? तो कम यूज के यशोवर्मन नरेश ने कुल 325 छंदों के गार अभिलेखों की रचना की है। जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति का क्या नाम है? तो जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति का नाम भटार गुरु है। भारतीय वर्ण व्यवस्था में वर्णित 4 वर्षों के नाम लिखिए। तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में वर्णित 4 वर्षों के नाम, पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। व्यंग क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यंग जावा का लोकप्रिय नाटक है। वास्तव में यह नाटक छाया नाटच्य का ही रूप है, जिसमें छायाकृति द्वारा पुतलियों का अभिनय कराया जाता है। व्यंग के कथानक मुख्यतः रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। गरो बोदर व लोरो जंगरथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बरो बोदूर यह जावा में स्थित एक मंदिर है। यह 750 से 850 ईस्वी के बीच बना था। इस मंदिर में एक के ऊपर एक 9 मंजिल बनी हुई है। इस मंदिर के बरामदे में मूर्तियों की पंक्तियां विद्यमान है। इन मूर्तियों की कुल संख्या 1500 है। लोरो जंगरंग यह भी जावा में स्थित एक मंदिर है। भव्यता के मामले में इस मंदिर का बोरोबोदूर के बाद दूसरा स्थान है। इसके अंतर्गत 8 मुख्य मंदिर हैं, जिसमें शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा की मूर्तियां विद्यमान हैं। अंगकोट वाट के मंदिर पर टिप्पणी लिखो। तो अंगकोट वाट का मंदिर यह कम्यूज कम्बोडिया में स्थित विष्णु मंदिर का नाम है। इस मंदिर के मध्य और किनारे के शिखर उत्तर भारतीय शैली में निर्मित है। इस मंदिर की सामान्यता बहुत हद तक भारतीय मंदिरों से है। मंदिर की 4 दीवारी से बाहर 60 फीट चौड़ी खाई है और 36 फीट चौड़ा पत्थर का रास्ता है। इस मंदिर के अंतिम मंजिल का केंद्रीय शीर्ष जमीन से 210 फीट की ऊंचाई पर है। संसार की वास्तुकला में अंगकोट कोर वाट के मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। तब के समय में भारतीय संस्कृति को वाहक संस्कृति में लिखे गए अभिलेख ब्रह्मा, सियाम, मलय, प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा और बोर्निया आदि स्थानों में पाए गए हैं। पूर्वी एशिया के वियतनाम, कंबोडिया आदि राष्ट्रों के अधिकांश भागों में जो पाली भाषा बोली जाती है वह संस्कृत से ही निकली हुई है। इसी तरह चंपा में 100 से अधिक अभिलेख संस्कृत भाषा के मिले हैं, जो भारतीय संस्कृति के प्रभाव की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार काम्बुज में मिले अभिलेखों की संख्या न केवल चंपा के अभिलेखों से अधिक है, बल्कि वे साहित्य की दृष्टि से भी उच्च कोटि के हैं। विभिन्न स्थानों पर जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन पर रामायण, महाभारत, पुराण एवं भारतीय दर्शन तथा आध्यात्मिक विचारों की गहरी अप दिखाई पड़ती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय में भारतीय संस्कृति का प्रभाव सर्वव्यापी था। समाज एवं धर्म के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का प्रभाव, भारतीय संस्कृति में विद्यमान वर्ण व्यवस्था का प्रभाव, बाली एवं कम्योज की जाति व्यवस्था में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर विचार का स्वरूप अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज सामान्यता भारत के समाज की तरह ही है। भारत के समाज की तरह यहाँ पर भी सती प्रथा का प्रचलन था और पत प्रथा नहीं थी। मुख्य खाद्यान्न चावल और गेहूं का होना, आभूषण एवं वस्त्रों का पहनना तथा पान खाने की आदत, ये सत्र भारत की ही तरह थे। धर्म के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का प्रभाव, ब्रह्मो और श्याम में सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई है। भारतीय संस्कृति के प्रभाव के कारण ही जावा की अत्यंत लोकप्रिय मूर्ति भटार गुरु को कुछ लोग भारतीय ऋषि अगस्त्य का अतीत मानते हैं। ब्रह्मा के आनंद मंदिर का वर्णन करते हुए यूरोसाइल के कथन का विश्लेषण कीजिए। तो वर्मा का आनंद मंदिर वर्मा का सर्वोत्तम मंदिर है। यह मंदिर 561 वर्ग मीटर के
चौकार आंगन के बीच में स्थित है। मुख्य मंदिर वर्गाकार है और ईंटों का बना हुआ है। पत्थर पर खुदी हुई मूर्तियों और दीवार पर लगे मिट्टी के चमकीले पलकों के कारण इस मंदिर की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई है। इस मंदिर में पत्थर पर खुदी हुई मूर्तियों की संख्या 50 है। इन मूर्तियों के द्वारा बुद्ध के जीवन को मुख्य घटनाएं दर्शाई गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंदिर भारतीय शैली में ही विकसित किया गया है। आनंद मंदिर के संबंध में यूरो साइल नामक विद्वान का कच्छन इस विद्वान का यह मानना है कि आनंद का मंदिर वर्मा की राजधानी में बने होने के बावजूद भारतीय मंदिर ही है, क्योंकि जिन वास्तुकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया थे वो भारतीय ही थे। पत्थर की मूर्तियां उनकी कुर्सियों गलियों गलियारों में लगे मिट्टी के फलक आदि भारतीय शैली में ही बने हुए हैं। निरीक्षक रूप में ड्यूरो साइल का यह कहना है कि भले ही आनंद मंदिर ब्रह्मा में स्थिर हो, किंतु इसके समस्त लक्षण भारतीय हैं।